क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ, और चैप्टर फोर्थ है हमारा फन टाइम। ठीक है, हार्दिक हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, कि हार्दिक ने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया, अर्थात ख़त्म कर दिया। इट वॉज इवनिंग टाइम, और शाम का समय था। जस्ट देन हिज फ्रेंड केम टू कॉल हिम फॉर प्लेइंग इन द पार्क नियर दियर हाउसेस। उसके तुरंत बाद उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए बुलाया। कहाँ पर? उसके घर के पास में जो पार्क था, वहाँ पर उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए बुलाया। हिज मदर अलाउड हिम टू गो एज शी नो दैट प्लेइंग वॉज ऑल्सो इसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी, और उसकी मम्मा ने उसे जाने के लिए कहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा जो है वो जानती थी कि जो खेल है, ठीक है, जो गेम्स है, वो क्या करते हैं, हमारे हमें क्या बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ट्यून अप। आइडेंटिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स एंड नेम द गेम्स दे आर एसोसिएटेड विथ, कि यहाँ पे कुछ खेल से संबंधित सामान रखे हुए हैं और आपको पहचानना है कि इन खेल का नाम क्या है। अब देखिए ये कौन सा है, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, और ये क्या है, चेस। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बैडमिंटन, यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिकेट, यहाँ क्या लिखेंगे, टेबल टेनिस, यहाँ हॉकी, और यहाँ पर चेस। प्लेइंग गेम्स हेल्प्स इन एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन, कि खेलने से जो खेल है, ठीक है, वो हमारी क्या सहायता करते हैं, या खेलने से हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है, और हम आरामदायक महसूस भी करते हैं। दे आर फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप आर बॉडी फिट एंड हेल्दी। ठीक है, और खेल क्या है, एक प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी को क्या करती है, फिट और हेल्दी बनाती है। ठीक है, दे हेल्प इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट, और जो खेल जो है वह हमें क्या विकसित करती है, क्या चीज़ विकसित करती है, टीम स्पिरिट, मतलब समूह में रहने की भावना। ठीक है, कि हम टीम में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो टीम स्पिरिट की जो भावना है वो उत्पन्न होती है या विकसित होती है। स्पोर्ट्समैनशिप, खेल की भावना। डिसिप्लिन अनुशासन, कॉरपोरेशन सहयोग। ठीक है, तो खेल जो है वो टीम स्पिरिट्स, स्पोर्ट्समैन, डिसिप्लिन और कॉरपोरेशन की भावना इससे विकसित होती है। गेम्स हेल्प इन यूटिलाइजिंग आवर फ्री टाइम इन अ हेल्दी वे। इसका मतलब कि जो गेम्स है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है फ्री टाइम में, जिसके द्वारा हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, हेल्दी रह सकते हैं। तो जब भी फ्री टाइम हो उसमें हमें क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खेल से हम खेल क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बनता है, खेल से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, कि जितने भी एज ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है, मेजरली द यंगर्स वन मस्ट, पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स मेजरली द यंगर वंस मस्ट इंगेज इन गेम्स। इसका मतलब क्या है, कि गेम्स तो
अधिकांशतः सभी एज के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो सब गेम्स खेलते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो यंगर्स होते हैं, ठीक है, जो जवान होते हैं, वे अधिकांशतः किस में व्यस्त रहते हैं, गेम्स में, ठीक है। तो जो यंगर्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, फ्री टाइम्स में गेम्स खेलते हैं। टाइप ऑफ गेम्स, गेम्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो गेम्स है उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स का मतलब क्या होता है, जो घर के अंदर खेलते हैं, और आउटडोर गेम्स का मतलब जो हम बाहर, घर से बाहर की ओर खेलते हैं। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस और बिल्डिंग, कि जो इंडोर गेम्स होते हैं वो हम घर के अंदर खेलते हैं। दीज गेम्स आर प्लेड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और ये जो खेल होते हैं वो हम किसके साथ खेलते हैं, अपने दोस्त के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलते हैं। दे इनेबल पीपल टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड स्ट्रेंथन द बॉन्डिंग बिटवीन देम। इसका मतलब कि जो खेल हैं, ठीक है, ये एक मुख्य जरिया है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, और इससे हमारे जो संबंध हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, वो क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं। लूडो, चेस, स्नूकर एंड स्नेक्स एंड लेडर्स आर सम इंडोर गेम्स। तो ये क्या है, सब इंडोर गेम्स। कौन कौन से, लूडो, चेस, स्नूकर एंड स्नेक्स एंड लेडर्स। चिल्ड्रंस आल्सो इंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स, और कुछ बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स को काफ़ी इंजॉय करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लूडो, चेस, स्नूकर और वीडियो गेम। फिर इसके बाद में है आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ आर हाउसेस और बिल्डिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसको हम कहाँ खेलते हैं, घर के बाहर, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। ये जितने भी गेम्स होते हैं इनको हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, इसको हम या ग्राउंड, ठीक है, या फिर कोई आपका गार्डन है या फिर प्ले ग्राउंड है वहाँ पर हम उसको खेलते हैं। कौन कौन से, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। दीज गेम्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल स्टेमिना एंड प्रैक्टिस, और इस गेम्स को खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेमिना, ठीक है, और काफ़ी प्रैक्टिस भी। दे आर प्लेड विथ अ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड, और ये जितने भी खेल हैं उनके क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और उस नियम के अंदर ही हम इन गेम्स को खेलते हैं, और जो भी इस गेम्स के रूल्स होते हैं उसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। दे आर प्लेड सोलो और विथ अ टीम, ठीक है, ये गेम्स हम लोग किस में खेल सकते हैं, टीम्स में बना के, ठीक है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल आर सम आउटडोर गेम्स, कि क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये जो गेम्स हैं हम इनको घर के बाहर खेलते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स, ठीक है। टेक अ ब्रेक, मैच द फॉलोइंग है, क्रिकेट, हॉकी, चेस, स्नूकर और बॉक्सिंग, इन गेम्स में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं,
क्रिकेट बैट और बॉल, हॉकी स्टिक्स, चेस पाउंस प्यादे जिसे बोलते हैं, स्नूकर क्यूज और बॉक्सिंग ग्लव्स। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और फिर कल हम पढ़ेंगे गेम्स प्लेड इन द पास्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।